नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों आज तारीख है 26 सितंबर 2020, शुभ दिन है शनिवार का दिन, शुभ तिथि है दसवीं, शुभ नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। दोस्तों आज दसवीं तिथि है, मल्ल मास की दसवीं तिथि है, शनिवार का दिन है। आज का दिन स्पेशल है, कुछ खास है। अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, जिसकी योजनाएं आप बहुत दिनों से बना रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस है, विदेश यात्रा है, व्यापार आदि का मामला है, मैरिज की प्रॉब्लम है, दोस्तों आज मैं आपको राशिफल के आधार के अनुसार आज के दिन करने वाले स्पेशल उपाय के बारे में अवगत करवाऊंगा। दोस्तों राहु केतु का संचार वृष राशि में और वृश्चिक राशि में हो चुका है, जो कि सबके लिए कल्याणकारी हो, अनिष्टों का नाश हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसा हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले दोस्त, अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है, कोशिशों के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपको आज दसवीं के दिन शनिवार के दिन 7 पीपल के पत्ते तोड़ के उनके ऊपर राम राम लिख के हनुमान जी के गले में जाके माला के रूप में आप पहना आइए। दसवीं तिथि है, शनिवार का दिन है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। आज का दिन विशेष दिन है, आप चूके मत, आज के दिन को वेस्ट मत जाने दें। जो उपाय मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ आप उसे कीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के अंदर राहु देव का गोचर हो चुका है, थोड़ी सी अड़चने आएंगी हर कार्य की सिद्धि के लिए, परंतु अगर आप भैरव जी के मंदिर निमित जाते रहेंगे, रेगुलर जाते रहेंगे, गुरुवार को, शनिवार को या इतवार को, हफ्ते में एक दिन, तो आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, आपके मनोरथ पूरे होंगे, आपके रोग ऋण शत्रु हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके दिन, आपके लिए आज का दिन कल्याणकारी है। अगर आप गाय को मूंगी साबत दाल और थोड़ी सी फटकरी अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे, तो आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होगा, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, शनिदेव आपका कल्याण करेंगे, आपके रुके सभी कार्य बनाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव शनि देवता के साथ विराजमान है मकर राशि के अंदर, अर्थात आपकी राशि के ऊपर शनि चंद्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है, जो कि थोड़ी सी कष्टकारी है। बेफालतू मन के अंदर विचार उत्पन्न होंगे, आप टेंशन में रह सकते हैं, चाह के भी अपने आप को बंधा सा महसूस करेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आपको मन में हैवी रहेगी। आज के दिन काला नमक लें आप, कम से कम 7 किलो काला नमक लेके चलते पानी में बहा दें, आपका कल्याण होगा, आपकी विघ्नों का नाश होगा, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि के अंदर है, इसलिए आपको आज दसवीं तिथि को शनिवार के दिन आपकी राशि में पिता पुत्र से अलगाव होने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कि आपके पिताजी के विचार मैच ना करें और आपको घर में क्लेश का वातावरण बना रहे, ऐसी स्थिति में बचने के लिए और कारोबार की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सरसों का तेल, 100 ग्राम सरसों का तेल लेके सूर्य देव को देख के आप उन्हें जल की तरह सरसों का तेल अर्पण कर दें, आपकी सर्व कार्य सिद्ध होंगे, घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा, घर में प्यार मोहब्बत वाला वातावरण बन जाएगा और आपके गैर और सरकारी सर्व प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके लिए व्यापार के और नौकरी के नए आयाम स्थापित होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो जाए या आपके व्यापार के साथ कुछ नई लाइन भी जुड़ने के पूरे योग हैं, इसलिए आपको आज एक खास उपाय करना है। अगर आपको कोई हिंजड़े मिलते हैं तो आप उनको आज कुछ ना कुछ अपने हाथ से जरूर दें, अगर हो सके आपके पास समय हो तो आप हिंजड़ों को मीठे पान खिला दें, आपके व्यापार में, आपकी सेहत में, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके सर्व कष्ट खत्म हो जाएंगे।
बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले दोस्तों, आज थोड़ा सा कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले आप सोच विचार लें, जल्दबाजी ना करें। यात्रा से भी आज आपको नुकसान हो सकता है, यात्रा को आप टाल दें। और आपका जो आज का उपाय बनता है वो ये है, आज आप काले और सफ़ेद तिल मिक्स करके 400 ग्राम काले तिल 400 ग्राम सफ़ेद तिल लेके मिक्स करके आप उन्हें गाय को खिला दें जाके, आपके रोग ऋण शत्रु कष्ट शारीरिक हो या मानसिक हो, आपको निजात मिलेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपके दुखों का नाश होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपके लिए समय थोड़ा सा टेंशन वाला है। केतु देव का संचार आपकी राशि के अंदर है जो कि सेहत के लिहाज से बढ़िया नहीं है। कोई ना कोई रोग आपको परेशानी में डाल सकता है, कहीं ना कहीं से आपके इस समय ऑपरेशन होने के भी योग बनते हैं। डॉक्टर की सलाह से चलें, जल्दबाजी ना करें, अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाएं। आज के दिन आपका रोग और आपका कर्जा, आप इन दोनों चीज़ों से मुक्त होने के रास्ते ढूंढ लेंगे, आपको इसमें कामयाबी में मिलेगी। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर है, केतु देव का गोचर आपकी राशि में से निकल चुका है। अब आप कामयाबी की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़नी शुरू कर देंगे। जो भी दिक्कतें परेशानियां पिछले 18 महीनों से आपके ऊपर थी, अब आपको वहां से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी, आपके लिए एक अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। आपको किसी धार्मिक स्थान की नियमित रूप से गुरुवार तो जरूर कीजिए, धार्मिक स्थान की सफाई करते रहें, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, आपकी योजनाएं सफल होंगी, आपको व्यापार में और सेहत के मामले में भी अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले दोस्तों, शनि चंद्र विष योग आज आपकी राशि के अंदर बरकरार है। शनि चंद्र विष योग का अर्थ है आज आप डबल माइंडेड रहेंगे, दिमाग कुछ और कहेगा, मन कुछ और कहेगा, आप चिंतित रहेंगे कि कौन सा मार्ग आपके लिए सही है, कौन सा मार्ग आपके लिए गलत है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए और आपका डिसीजन सही हो उसके लिए आपको 400 ग्राम चावल, साबत चावल 400 ग्राम बासमती चावल लेके चलते पानी में बहा देने हैं। आपके डिसीजन, आपके फैसले सही होंगे, आप मन और दिमाग दोनों की सुनेंगे और जो भी फैसला आप लेंगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, आप मार नहीं खाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शनि देव अपने से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है दिमाग पे संताप, बेफजूल की टेंशन, काम की थकावट और मन बुझा बुझा सा रहेगा। आपको ऐसा भावना फील होंगी कि मैं अपनी स्थिति में से भाग के कहीं और चला जाऊं। आपको करना क्या है, आज किसी कच्चे दूध में चीनी मिला के पीपल की जड़ में जाके दूध चढ़ाया, ये आपका मन भी शांत हो जाएगा। आपको जो भी आप फील्ड में हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट, आपको आपके अपने काम की अप्रिसिएशन मिलने शुरू हो जाएगी, आपका योग बढ़िया बन जाएगा। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सर्व कार्य सिद्ध दिन है। आपकी योजनाएं आज विफल नहीं हो सकती, आप जो भी योजनाएं बनाएंगे आपको हर योग में या सिद्धि मिलेगी। आपको दुख दरिद्रता संताप से आज मुक्ति मिलने वाली है। आज केसर का दान करना आपके लिए लाभदायक है, कल्याणकारी है। दोस्तों ये था आज का राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव।